नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, मैं सुदीप गोयल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर मनोज जैन द्वारा संचालित काव्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि दोस्तों हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर रहे थे पटवारी मेंस के पेपर के बारे में, पटवारी मेंस का जो पेपर हुआ था दोस्तों 2016 में जो पटवारी मेंस का पेपर हुआ था दोस्तों, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। हमने पिछले चार पार्टों में पटवारी मेंस के 40 प्रश्न देखे। आज दोस्तों इसका लास्ट पार्ट है, पांचवा पार्ट है हमारे सामने पटवारी मेंस का, और कुछ और 10 प्रश्न देखेंगे और आज हमारा पेपर जो है पटवारी मेंस का वो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिए, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लीजिए दोस्तों, उससे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो कि सहायक होंगी दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम में। पता होना चाहिए दोस्तों पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सहायक होने वाली है आपके लिए। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न जो था मेरा वो क्या था दोस्तों, एक आयताकार चतुर्भुज ABCD में, एक आयताकार चतुर्भुज ABCD में BC बराबर B और AC बराबर C दिया हुआ है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों आज जो हम प्रश्नों की बात करेंगे वो बात करेंगे ज्योमेट्री के और मेंसुरेशन के प्रश्नों के बारे में, यानी बात करेंगे ज्यामिति और क्षेत्रमिति के प्रश्नों के बारे में दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है, एक आयताकार चतुर्भुज है जिसका नाम क्या है, ABCD है, BC बराबर क्या दिया हुआ है, स्मॉल b दिया हुआ है, AC बराबर स्मॉल c दिया हुआ है। बोल रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक आयताकार चतुर्भुज बनाना होगा। क्या करना होगा, आयताकार चतुर्भुज बनाना होगा। और याद रखिए आयताकार चतुर्भुज का क्या होता है, हम बनाते हैं तो किस तरीके से आयताकार चतुर्भुज बनाते हैं। देखो दोस्तों आयताकार चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी होती है, जो नियम होते हैं, वो क्या होते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है दोस्तों। और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है दोस्तों। आया समझ में। अब बात कर रहा है ABCD की, तो मैंने नाम लिख दिया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। देखो ABCD हो गया। अब देखो क्या दिया है, BC बराबर B दिया है, ये जो BC है इसके बराबर क्या दिया है, B दिया है। बोल रहा है AC बराबर C, यानी A और C की माप दी हुई है, यानी जो विकर्ण हमें दिया है, विकर्ण क्या दिया है दोस्तों, C दिया है। अब मेरे पास में पूछ क्या रहा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखना आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है आयत का, क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। बात करूँ लंबाई गुणा चौड़ाई, याद रखना। यानी मेरे पास में यदि मैं इसको लंबाई कह दूँ तो लंबाई मेरे पास में नहीं है लेकिन चौड़ाई मेरे पास में है, तो मुझे निकालना है AB का मान। मुझे क्या निकालना है, AB का मान। तो AB का मान कैसे निकालूंगा, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज जो होता है ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये एक कोण समकोण है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे समकोण त्रिभुज है। तो याद रखो दोस्तों समकोण त्रिभुज में होता क्या है, समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है। क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, कल भी मैंने आपको बताया था, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब मेरे पास में कर्ण है C और लंब है B, निकालना क्या है, आधार। तो आधार निकाल सकता हूँ ना, आधार निकालने के लिए क्या करूँगा, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी जो कर्ण का स्क्वायर है ये यहीं रहेगा और ये लंब का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ए स्क्वायर का मान निकालना है, यानी आधार का मान निकालना है, तो उसके लिए पहले ए स्क्वायर का मान निकालूंगा। तो ए स्क्वायर का जो मान आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, कर्ण का मान कितना है, सी है, तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस लंब का मान क्या है, बी है, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। अब देखो दोस्तों इधर ए का मान, ए स्क्वायर का मान जो है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल ले लूँगा, क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट के अंदर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी जो मेरी ये आ गई लंबाई, इसको मैं कहूँ तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अब मेरे पास लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी आ गई, तो अब आराम से मान निकाल सकता हूँ ना क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगी, रूट सी स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, और चौड़ाई क्या हो जाएगी दोस्तों, चौड़ाई क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो यहाँ से मेरा क्षेत्रफल क्या मिलेगा, बी गुणा रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। करना क्या था, सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों, क्या दिया हुआ है मेरे पास में, आयत की एक भुजा दी हुई है और एक विकर्ण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज से जब मेरे पास में आयत की एक भुजा है तो दूसरी भुजा निकाल सकता हूँ ना आराम से, किससे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ध्यान रखिए यहाँ से मुझे मेरा आधार मिलेगा, एक त्रिभुज का आधार मिलेगा दोस्तों, क्या आया, रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मेरे पास में लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो क्या होता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है मेरे पास रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और चौड़ाई कितनी है, बी है। तो यहाँ से क्षेत्रफल क्या मिल गया, बी रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना दोस्तों। अब आप यदि जानना चाहो कि इसकी लंबाई क्या होगी, तो इसकी लंबाई भी क्या ही होगी, रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी। क्यों होगी, क्योंकि आयत में मैंने अभी आपको बताया आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वह प्रत्येक कोण कैसा होता है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है, कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये बी है तो ये भी बी होगी, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये भी रूट में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी। तो यहाँ से आराम से सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो दोस्तों, करना ऐसे ही होगा, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी अपनी कैलकुलेशन स्पीड रखते हैं और कितनी स्टेपों को काम में नहीं लेके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो मैं और भी तरीके बताऊंगा इन तरीकों के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए हमें पूरा स्टार्टिंग से बेसिक पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है दोस्तों, एक आयताकार चतुर्भुज के दो टुकड़े इस प्रकार किए जाते हैं कि वह दो वर्गाकार चतुर्भुज में विभाजित हो जाता है। यदि वर्गाकार चतुर्भुज की भुजा ए हो तो आयताकार चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई होगी, तो आयताकार चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई होगी। एक बात याद रखो, क्या कहना चाह रहा है वो, यदि आपको पता है, यदि आपको पता है दोस्तों कि ये क्या कहना चाह रहा है और माइंड में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा कितना, रूट फाइव है। क्या मिल जाएगा, रूट फाइव है। कैसे मिलेगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इतनी हार्ड कैलकुलेशन नहीं है कि आप माइंड में ना कर सको, बस सिर्फ शर्त इतनी सी है कि ये जो प्रश्न है ये आपको समझ में आना चाहिए कि प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, अपने अंदर इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इतनी एबिलिटी लेके आइए कि एक बार आप प्रश्न को पढ़ लें तो समझ में आ जाए, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना हो। इससे क्या होता है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जामों में बड़ा इफेक्ट करती हैं आपके टाइम मैनेजमेंट को सुधारने में। तो बात करें दोस्तों, बोल रहा था कि एक आयताकार चतुर्भुज है, उसको क्या कर रहा है, दो टुकड़ों में, वर्गाकार चतुर्भुज के दो टुकड़ों में विभाजित कर रहा है, और बोल रहा है वर्गाकार चतुर्भुज की जो भुजा है वो ए है, वर्गाकार चतुर्भुज की भुजा जो है वो ए है। तो आयताकार जो चतुर्भुज है उसका विकर्ण ज्ञात करना है, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं बना के दिखाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है वो, कि एक आयताकार क्या है दोस्तों, चतुर्भुज है, ये मैंने क्या ले लिया, एक आयताकार चतुर्भुज ले लिया। बोल रहा है आयताकार चतुर्भुज में सबसे पहले याद रखना क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और वर्गाकार चतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। बोल रहा है इस प्रकार दो टुकड़ों में विभाजित कर रहा है, यानी मैं इसको इस दो टुकड़ों में विभाजित कर रहा हूँ, तो इस प्रकार वो दो टुकड़ों में विभाजित कर रहा है कि जो वर्गाकार चतुर्भुज बन रहे हैं ये भी वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार है, यानी ये चारों भुजाएं बराबर है और ये चारों भुजाएं बराबर है, यानी इधर वाला भी बराबर है और इधर वाला भी बराबर है। और बोल रहा है कि वर्गाकार चतुर्भुज जो है उसकी भुजा ए है, यानी ये भुजा कितनी हो जाएगी, ए, ये कितनी हो जाएगी, ए, ये कितनी हो जाएगी, ए, और ये कितनी हो जाएगी, ए। अब बात करूँ, ये हो जाएगी ए, ये भी ए और ये भी ए, यानी ये दोनों क्या हो गए, वर्गाकार चतुर्भुज हो गए, जिनकी भुजा ए ए है। तो अब देखो दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, कि जो पहले आयताकार चतुर्भुज था उसका विकर्ण क्या होगा, यानी देखो लंबाई, इसको मैं चौड़ाई कहूँ तो ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई तो पहले भी ए थी और अब भी क्या है, ए है, यानी आयताकार चतुर्भुज के बारे में बात करूँ, आयताकार चतुर्भुज के बारे में बात करूँ, आयताकार चतुर्भुज के बारे में बात करूं दोस्तों, तो आयताकार चतुर्भुज की जो चौड़ाई है
जो दोस्तों चौड़ाई है आयताकार चतुर्भुज की वो पहले भी ए थी और अब भी क्या है दोस्तों ए है। तो आयताकार चतुर्भुज की चौड़ाई क्या आ गई, ए आ गई। अब बात करूं आयताकार चतुर्भुज की लंबाई के बारे में, आयताकार चतुर्भुज की लंबाई के बारे में तो लंबाई क्या हो गई दोस्तों, देखो ये ए है ये ए है तो पूरी लंबाई क्या हो गई 2a हो गई। क्या हो गई दोस्तों 2a हो गई, पूरी लंबाई क्या हो गई 2a हो गई, यानी लंबाई आ गई 2a, चौड़ाई आ गई a, लंबाई आ गई 2a, चौड़ाई आ गई a। तो ध्यान रखना विकर्ण क्या हो जाएगा, पूछ क्या रहा है विकर्ण के बारे में पूछ रहा है ना, विकर्ण क्या होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है ना दोस्तों। आयताकार चतुर्भुज के विकर्ण का मान क्या होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहां से देखो दोस्तों लंबाई कितनी है 2a, तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है a, तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर। तो यहां से मिल गया रूट 5a स्क्वायर, a बाहर आ जाएगा यानी रूट में क्या बचेगा रूट 5a। क्या मिल जाएगा आंसर रूट 5a, डायरेक्ट आंसर मिल गया विकर्ण का कितना रूट 5a। अब ये इतनी इजी कैलकुलेशन थी कि आप आराम से माइंड में कर सकते हो। क्या बोल रहा था कि दो टुकड़ों में विभाजित कर रहा है, दो टुकड़ों में विभाजित कर रहा है और प्रत्येक की भुजा क्या है a है, वर्गाकार चतुर्भुज की भुजा क्या है a है। तो याद रखना यदि मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूँ, ऐसे डिवाइड करता हूँ तो इसकी जो चौड़ाई है वो तो फिक्स रहेगी a, और लंबाई कितनी हो जाएगी दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ से मान निकाल सकता हूँ, यदि देखो दोस्तों हमारा जो चतुर्भुज होता आयताकार वो मान लो इस प्रकार का होता और मैं ऐसे डिवाइड करता, मैं ऐसे डिवाइड करता तो क्या होता दोस्तों, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, ये जो चौड़ाई है ये 2a हो जाती और लंबाई कितनी रहती a रहती। तो मान तो वही आता ना दोस्तों रूट 5a, तो कैसे भी मैं काट लूँ मुझे आंसर क्या मिलेगा रूट 5a मिलेगा। अब देखो दोस्तों ये विकर्ण बराबर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये कैसे आया वही पाइथागोरस प्रमेय से आया। कैसे आया दोस्तों वही पाइथागोरस प्रमेय से आया, देखो एक बार वही पाइथागोरस प्रमेय से आया। अब देखो दोस्तों यदि मुझे इसका विकर्ण निकालना है तो देखो ये आयत है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये मेरे पास 2a है ये मेरे पास a है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर मुझे क्या मिल जाएगा, आधार कितना है 2a तो क्या मिल जाएगा 4a स्क्वायर और लंब कितना है a है तो क्या मिल जाएगा a स्क्वायर। यहाँ से कर्ण का स्क्वायर क्या मिलेगा 5a स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल लूंगा तो कर्ण का मान क्या मिल जाएगा रूट 5a, क्या मिल जाएगा रूट 5a। इसका मतलब आया समझ में, ये जो विकर्ण का फॉर्मूला है ये मैंने कैसे ही निकाला था पाइथागोरस प्रमेय से निकाला था। तो आ गया मेरा आंसर रूट 5a, आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते थे, ये बहुत ही इजी प्रश्न था दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बोल रहा है दोस्तों एक धावक एक गोलाकार मैदान के 10 चक्कर लगाकर 4.40 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। याद करो दोस्तों जब मैंने पटवारी प्री का पेपर करवाया था, यदि आपने वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। जब मैंने आपको पटवारी प्री का पेपर करवाया था तो उसमें सेम प्रश्न था, उसमें सेम प्रश्न था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसमें भी क्षेत्रफल पूछा था इसमें भी क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन उसमें जो क्षेत्रफल का आंसर दिया था वो हेक्टेयर में दिया था, किसमें दिया था हेक्टेयर में दिया था, हेक्टेयर में दिया था, और यहाँ पर जो क्षेत्रफल का आंसर दिया है वो वर्ग मीटर में दिया है। इतना सा फर्क है, वहाँ पर हेक्टेयर में आंसर दिया था, यहाँ पर वर्ग मीटर में दिया है। और मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि एक किलोमीटर स्क्वायर क्या होता है, एक किलोमीटर स्क्वायर बराबर होता है 100 हेक्टेयर, क्या होता है दोस्तों 100 हेक्टेयर होता है एक किलोमीटर स्क्वायर बराबर, ये मैंने आपको वहाँ पर बताया था दोस्तों। तो वही चीज़ है, ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे वहाँ पर सॉल्व किया था वैसे ही यहाँ पर सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ आंसर किस में देना है वर्ग मीटर में देना है, यानी जो मैं भुजाएँ लूँगा वो किस में लूँगा दोस्तों मीटर में लूँगा, तो मेरा आंसर मुझे वर्ग मीटर में मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, बोल रहा है एक गोलाकार मैदान है, क्या कह रहा है दोस्तों एक गोलाकार मैदान है, एक बंदा जो कह दूँ मैं धावक है, बोल रहा है ये धावक है, क्या कर रहा है यहाँ से चलना शुरू हो रहा है और कितने चक्कर काट रहा है 10 चक्कर काट रहा है, कितने 10 चक्कर काट रहा है और कितना चल रहा है 4.40 किलोमीटर, कितना चल रहा है 4.40 किलोमीटर चल रहा है 10 चक्कर काटने के बाद, यानी इसके चारों तरफ कितनी बार घूमा वो 10 बार घूमा,
कितनी बार घुमा दोस्तों, 10 बार घुमा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक चक्कर में निकाल लूँ, एक चक्कर में चली गई दूरी यदि मैं निकाल लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, वृत्त की परिधि मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा, वृत्त की परिधि मिल जाएगी। तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है, वृत्त की परिधि निकाल लूँ तो वहाँ से त्रिज्या मिल जाएगी, और यदि मेरे पास त्रिज्या आ गई तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देखे दोस्तों, यदि वह 10 चक्कर में चलता है, 10 चक्कर में कितना चलता है दोस्तों, 4.40 किलोमीटर। कितना, 4.40 किलोमीटर। अब बोलू मैं एक चक्कर में कितना चलेगा, तो एक चक्कर के लिए क्या करूँगा, 10 का भाग दे दूंगा ना एक एक नियम से, तो 4.40/10। अब देखो किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलूंगा तो गुणा क्या कर दूंगा, 1000 कर दूंगा। गुणा क्या कर दूंगा, 1000 कर दूंगा। ये पॉइंट यदि नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, 100, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 2 अंक है, तो कितना आ जाएगा, 100। अब देखो दोस्तों, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, क्या मिल गया मुझे, 440 मीटर। 440 मीटर, यानी वो एक चक्कर में कितना चल रहा है, 440 मीटर चल रहा है। अब देखो दोस्तों, बोल क्या रहा है, मैदान का क्षेत्रफल, तो मुझे क्या मिल गया, 2πr। वृत्त की जो परिधि है वो कितनी मिल गई, 440 मिल गई। तो यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, त्रिज्या निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे, पाई का मान कितना रख दूँ दोस्तों, 22/7 गुणा आर बराबर 440। अब देखो दोस्तों, ये 44 से कट गया, 440 कितनी बार, 10 बार, तो R बराबर क्या मिल गया दोस्तों, 70 मीटर। क्या मिल गया, 70 मीटर, यानी मेरी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 70 मीटर। अब देखो दोस्तों, पूछा क्या है, मैदान का क्षेत्रफल होगा, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्ताकार मैदान है ना, तो वृत्त का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मेरे पास में R का मान कितना है, 70 है, रख दूंगा। पाई का मान 22/7, R का मान 70, 2 बार है ना स्क्वायर, तो 2 बार लिख दूंगा। इधर देखो, ये कट गया कितनी बार, 10 बार। 22 को गुणा करूंगा 7 से, कितना आ जाएगा, 154, और 1 और 1 2 जीरो, यानी मेरा जो आंसर आया वो क्या आ गया, 15,400 वर्ग मीटर। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, क्या आंसर आ गया, 15,400 वर्ग मीटर। वहाँ पर जो मेरा आंसर आया था दोस्तों, यही आया था, इसको मैंने किलोमीटर में आंसर निकाला था, देन मैंने हेक्टेयर में आंसर निकाला था दोस्तों। तो यहाँ से आपके समझ में आया, किया क्या मैंने, बोल रहा है 10 चक्कर में मैदान जो है वो कैसा है, वृत्ताकार मैदान है। बोल रहा है 10 चक्कर में कितना चल रहा है, वो 4.40 किलोमीटर चल रहा है। 10 चक्कर में कितना चल रहा है, 4.40 किलोमीटर चल रहा है। तो एक चक्कर में कितना चलेगा, 440 मीटर। कितना, 440 मीटर वो चलेगा एक चक्कर में। तो एक चक्कर में जो चली गई दूरी है वो किसके बराबर होगी दोस्तों, वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी, क्योंकि वो चारों तरफ दौड़ लगा रहा है ना गोलाकार मैदान के। तो समझ में आ रहा है आपके, परिधि के बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, उसकी चली गई दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने 2πr के बराबर 440 रखा, और r का मान क्या आ गया, 70 आ गया, यानी उस वृत्ताकार मैदान की जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 70 आ गई। निकालना क्या था, क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर में वैल्यू रखी r की 70, तो क्या मिल गया, 15,400 वर्ग मीटर। आराम से मेरा आंसर मुझे मिल गया कितना, 15,400 वर्ग मीटर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बोल रहा है दोस्तों, एक वर्गाकार आकृति की परिधि और उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या के वृत्त की परिधि का अनुपात है। तो देखो दोस्तों, कहना चाह रहा है कि एक वर्गाकार आकृति है, क्या है दोस्तों, एक वर्गाकार आकृति है। वर्ग के बारे में आपको क्या पता है, यही पता है ना कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। अब क्या कह रहा है, एक वर्गाकार आकृति की परिधि और उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या के वृत्त की परिधि का जो अनुपात है वो मुझे निकालना है। तो देखो, सबसे पहली बात तो, यदि मैं इसकी भुजा a मान लेता हूँ, यदि मैं वृत्त की भुजा a मान लेता हूँ दोस्तों, तो ये चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, a a a। और पूछा क्या क्या है मुझसे, जो वर्ग की परिधि और वृत्त की परिधि का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले वर्ग की परिधि निकालूंगा, तो वर्ग की जो परिधि आएगी, वर्ग की जो परिधि आएगी, परिधि बोले तो क्या होता है दोस्तों, परिमाप। तो वर्ग का जो परिमाप आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 4 गुणा भुजा। क्या आएगा दोस्तों, 4 गुणा
भुजा वर्ग का जो परिमाप आएगा क्या आएगा, चार गुणा भुजा, यानी जो मेरी वर्ग की परिधि है वो मुझे मिल गई कितनी, चार ए। अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है, उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या का एक वृत्त बना रहा है, यानी ये जो वृत्त है ये चारों तरफ टच कर रहा है दोस्तों, चारों भुजाओं में क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अधिकतम त्रिज्या का मतलब चारों भुजाओं को छू रहा है दोस्तों। अब देखो दोस्तों यदि ये मैंने ये वृत्त बनाया जो चारों भुजाओं को छू रहा है, तो ये जो लंबाई होगी, ये जो लंबाई होगी दोस्तों, ये इसके बराबर होगी, यानी ये वृत्त का क्या होगी, व्यास होगी। और व्यास किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। जो जो त्रिज्या है वो त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, ए बाई टू, व्यास का आधा। तो यानी वृत्त की जो त्रिज्या आएगी, वृत्त की जो त्रिज्या आएगी, जो वृत्त की त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, ए बाई टू आ जाएगी। कितनी, ए बाई टू आ जाएगी। आ गया दोस्तों समझ में, यानी ये जो व्यास है वृत्त का वो किसके बराबर होगा, भुजा के बराबर होगा ना, तो भुजा के बराबर व्यास हो जाएगा, यानी जो वृत्त का व्यास है वो ए है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी वृत्त की जो त्रिज्या आई वो कितनी आ गई, ए बाई टू आ गई। तो यहाँ से मैं वृत्त की परिधि निकाल सकता हूँ, तो वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि है दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, टू पाई आर आ जाएगी। कितनी, 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 गुणा पाई गुणा आर का मान कितना है, a बाई टू। तो यहाँ से क्या मिल गया दोस्तों, परिधि पाई a, यानी जो वृत्त की परिधि है वो कितनी आ गई, पाई a। पूछा क्या है, अनुपात पूछा है, तो वर्ग की परिधि पूछा क्या है, वर्ग की परिधि अनुपात वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, यही तो अनुपात पूछा है, वर्ग की परिधि और वृत्त की परिधि का अनुपात। तो वर्ग की परिधि मैंने कितनी निकाल ली, 4a निकाल ली, और वृत्त की परिधि कितनी निकाल ली, पाई a निकाल ली। यहाँ से a कैंसिल हो गया, क्या अनुपात आया, 4 अनुपात पाई। क्या आ गया दोस्तों, 4 अनुपात पाई मेरा आंसर मुझे मिल गया। क्या करना था, सिंपल सा प्रश्न था, कहना क्या चाह रहा था, कह रहा था कि एक जो वर्ग है उसके जो परिधि है उसका जो अनुपात है वो उसके अंदर जो वृत्त बन रहा है अधिकतम त्रिज्या का, उसकी परिधि के अनुपात के किसके बराबर होगा। तो वही चीज़ पूछना चाह रहा था ना, सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक वर्ग ले लिया जिसकी भुजा मैंने क्या मान ली, ए मान ली। तो यहाँ से मैंने वर्ग की परिधि निकाली कितनी, 4a। वर्ग की परिधि निकाली कितनी दोस्तों, 4a परिधि निकाली। अब देखो दोस्तों वर्ग की परिधि यदि मुझे 4a मिल गई, बोल रहा है अधिकतम त्रिज्या का वृत्त खींचा जा रहा है, तो अधिकतम त्रिज्या का जो वृत्त खींचेगा वो चारों भुजाओं को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। यानी जो वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा, वो किसके बराबर होगा दोस्तों, वर्ग की एक भुजा के बराबर होगा। यानी वर्ग की भुजा ए है तो व्यास कितना हो जाएगा, ए। यानी किसी वृत्त का व्यास मेरे पास में ए है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, ए बाई टू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ए बाई टू। जब त्रिज्या मुझे मिल गई ए बाई टू, तो वृत्त की परिधि कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर, यानी पाई ए वृत्त की परिधि मिल गई। अब देखो मेरे पास वर्ग की परिधि है, मेरे पास वृत्त की परिधि है, तो आराम से अनुपात निकाल सकता हूँ। क्या आ गया, 4 अनुपात पाई आ गया। क्या आ गया, 4 अनुपात पाई आ गया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखो अच्छा प्रश्न है ये, दी गई आकृति में एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ये एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके आधार पर जो है दोस्तों एक वृत्त खींचा गया है जिसमें टेन थीटा बराबर 2/3 है। टेन थीटा बराबर 2/3 है। बोल रहा है अर्धवृत्त का व्यास 2a है, अर्धवृत्त का जो व्यास है वो कितना है, 2a है। आकृति का क्षेत्रफल है, देखो दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, आकृति का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा ताकि आपको समझ में आए, बिल्कुल हवा में नहीं उड़ाऊँगा, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा। देखो दोस्तों क्या करेंगे, वो क्या कहना चाह रहा है कि ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये जो भुजा है वो इसके बराबर है, यानी ये जो भुजा है वो इसके बराबर है, और मुझे दिया है टेन थीटा बराबर 2/3। तो मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो इसका मान किसके बराबर दे रखा है, 2/3 के बराबर। यानी थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। यानी मेरे पास में यदि ये पार्ट 2 है
तो ये पार्ट कितना होगा, तीन होगा। यदि ये पार्ट दो है तो ये पार्ट कितना होगा दोस्तों, तीन होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, यानी मैं क्या करूँ, एक तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूँ और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूँ तो और दोनों को जोड़ दूँ तो मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब देखें दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये चित्र आपके सामने है, बोल रहा है टेन थीटा बराबर 2/3 और ये दिए रखा है 2a और थीटा, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये मेरे पास में कितना है, ये मेरे पास में कितना उसने दे रखा है, देखो ये मेरे पास में उसने दे रखा है a और ये क्या है a, देखो दोनों तरफ क्या कर रहा है, बराबर काटेगा ना, ये 90 डिग्री का है, समद्विबाहु त्रिभुज है, बराबर काटेगा ना दोनों तरफ एंगल, समद्विबाहु त्रिभुज को क्या कर रहा है ये, एंगल बाइसेक्टर कर रहा है, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये a तो ये भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब देखो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि tan थीटा बराबर 2/3 है, यानी यदि ये दो है, यदि ये दो है तो ये क्या है, कितना है, तीन है। यदि ये दो है तो ये कितना है, तीन है, यानी a का मान यदि दो है, यदि a का मान यदि दो है दोस्तों, a का मान क्या कह दूँ, दो कह दूँ। इसको मैं कह देता हूँ, सबसे ईजी तरीका बता रहा हूँ दोस्तों सॉल्व करने का, मस्त एकदम मजा आ जाएगा। देखो दोस्तों ये इसको क्या मान लेता हूँ, आधार मान लेता हूँ, और ये इसको क्या मान लेता हूँ, लंब मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ आधार, इसको मान लेता हूँ लंब। अब देखो दोस्तों मेरे पास में लंब बटा आधार बराबर कितना दिया हुआ है, लंब बटा आधार कितना दिया हुआ है दोस्तों, सॉरी लंब ये वाला है, लंब ये वाला होगा दोस्तों और आधार ये वाला, क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। और मेरे पास में लंब बटा आधार कितना दिया है दोस्तों, देखो कितना दिया है, 2/3 दिया है। और मेरे पास में लंब कितना है, a, लंब कितना है a, तो आधार कितना हो जाएगा दोस्तों, आधार कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, आधार हो जाएगा 3a/2, यानी यदि मेरे पास में ये a है तो ये वाला जो पार्ट है ये कितना होगा, 3a/2 हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यदि आप चाहो तो कुछ भी मान के सॉल्व करो, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ सबसे इजी मेथड आपको बताने जा रहा हूँ, देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कि यदि ये मेरे पास में a है तो ये कितना हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा, यदि ये a है तो ये कितना हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा। कैसे हुआ, लंब बटा आधार बराबर कितना है, 2/3, लंब बटा आधार बराबर कितना है, 2/3 है, यानी मेरे पास में जो लंब की मान है वो कितना है, a है, और आधार का मान मुझे निकालना है, तो आधार का मान कितना आ गया a की फॉर्म में, 3a/2, यानी ये a है तो ये आ गया 3a/2। अब देखो दोस्तों इसको मिटा देता हूं, अब देखो दोस्तों मेरे को क्या करना है, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले नंबर पे क्या करूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी मैं क्या करूं, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी बात करूं तो दोस्तों देखो 1/2 आधार कितना है, a और a कितना आया, 2a आ गया, a और a 2a आ गया, ऊंचाई कितनी आ गई, 3a/2 आ गई, कितनी, 3a/2 आ गई। तो यहां से मुझे देखो दोस्तों क्या मिल गया, 3a² / 2 मिल गया, क्या मिल गया, 3a² / 2 मिल गया, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मिल गया, 3a² / 2। अब मुझे क्या निकालना है, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो इस वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लूं, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा था कि ये क्या है, एक अर्धवृत्त है, तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, πr² / 2, पूरे वृत्त का होता है πr², तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, πr² / 2। अब देखो दोस्तों ये हो गया πr² / 2, तो देखो r का मान कितना है, त्रिज्या कितनी है, a है ना, तो क्या जाएगा, πa² / 2, क्या जाएगा, πa² / 2। अब देखो दोस्तों मेरे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आ गया, मेरे पास में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी आ गया, तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरी जो है आकृति का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3a² / 2 प्लस
पाई ए स्क्वायर बाई टू, यानी इसको समीकरण एक को और समीकरण दो को मैंने क्या किया, जोड़ दिया दोस्तों, थ्री ए स्क्वायर बाई टू प्लस पाई ए स्क्वायर बाई टू। तो यहां से क्या मिल गया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, क्या मिला, थ्री प्लस पाई बाई टू, दो एलसीएम लिया ना तो थ्री प्लस पाई आ गया और ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया, थ्री प्लस पाई बाई टू गुणा ए स्क्वायर। देखो दोस्तों ये मेरा आंसर आ रहा है, देखो ऑप्शन में मिलता है क्या। चलते हैं प्रश्न की तरफ, देखो दोस्तों क्या आया था मेरा, यही आया था ना, ए स्क्वायर गुणा थ्री प्लस पाई बाई टू, यही मेरा आंसर आया था ना क्षेत्रफल। तो ये डायरेक्ट क्षेत्रफल मिल गया कितना, थ्री प्लस पाई बाई टू गुणा ए स्क्वायर। आया दोस्तों समझ में, किया क्या मैंने, पहले इस आकृति का क्षेत्रफल निकाला फिर इस आकृति का क्षेत्रफल निकाला और दोनों को जोड़ दिया, क्या मिल गया, थ्री प्लस पाई बाई टू गुणा ए स्क्वायर मुझे इसका क्षेत्रफल मिल गया। एक बार वापिस समझा रहा हूं दोस्तों, वहीं चल के एक बार वापिस से देख लेंगे, एक बार वापस से देख लेंगे। किया क्या मैंने, इस भुजा को मैंने ए माना, इस भुजा को ए माना क्योंकि ये टू ए था, ये हो गया ए, ये हो गया ए। यदि ये ए है तो टेन थीटा से मैंने क्या, लंब बटा आधार लगा के यदि ये ए रखा तो ये मिल गया थ्री ए बाई टू, क्या मिल गया, थ्री ए बाई टू। देन मैंने क्या किया, सम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, क्या आएगा, एक बटा दो गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार मेरे पास में कितना है, 2a, और ऊंचाई कितनी है, 3a बाई टू। तो यहां से क्या आ गया, 3a स्क्वायर बाई टू आ गया। और बात करें अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर बाई टू। तो देखो इस वाले त्रिभुज जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। आर का मान कितना रखा, ए रखा, तो यहां से कितना मिल गया, पाई ए स्क्वायर बाई टू। दोनों को जोड़ दिया, क्या आ गया मेरा आंसर आ गया दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आप चाहें तो। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, इसका आंसर तो मुझे क्या मिल गया था, ये मिल गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब बोल रहा है दोस्तों पिछले प्रश्न की आकृति में बाह्य परिधि की माप है, यानी जो पहले हमने प्रश्न किया था उसी में क्या पूछ रहा है, बाह्य परिधि की माप पूछ रहा है, यानी जो परिधि है उसकी चारों तरफ का जो परिमाप है उसकी माप पूछ रहा है। तो उसकी माप कैसे निकालेंगे, पहले हमने क्या किया था, क्षेत्रफल निकाला था, क्या निकाला था दोस्तों, क्षेत्रफल निकाला था। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे, उस त्रिभुज का परिमाप भी निकाल लेंगे और वृत्त का परिमाप भी निकाल लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा दोस्तों। चलते हैं प्रश्न की ओर। देखो दोस्तों यही प्रश्न था, ये क्षेत्रफल वाला पार्ट समझ में आया होगा, अब बात करेंगे परिमाप वाले पार्ट की। परिमाप वाले पार्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो देखो क्या कह रहा है, परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वृत्त का परिमाप निकाल लूं, तो वृत्त का जो परिमाप आएगा, पहली बात करूं वृत्त के परिमाप की, वृत्त का जो परिमाप आएगा, चूंकि ये अर्धवृत्त है तो पूरे वृत्त का क्या होता है, टू पाई आर होता है, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, या फिर मैं कह दूं कि टू पाई आर बाई टू हो जाएगा दोस्तों। तो क्या मिल जाएगा, पाई आर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पाई आर मिल जाएगा, यानी जो वृत्त का परिमाप है वो कितना आ जाएगा, पाई आर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों इस जो वृत्त का परिमाप है वो पाई आर आया, तो पाई मैंने रखा और आर का मान कितना है, ए है, तो क्या आ जाएगा, पाई गुणा ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई गुणा ए आ जाएगा। अर्धवृत्त का जो परिमाप आएगा वो कितना आएगा, परिधि इसको बोल दूं, क्या आएगा दोस्तों, पाई आर आ जाएगा। अर्धवृत्त का टू पाई आर होता है पूरे का, आधे का कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट का मान कितना आ गया, पाई ए आ गया। अब देखो दोस्तों इसकी बात करूं त्रिभुज के बारे में, तो त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए मेरे पास में क्या होनी चाहिए, भुजा होनी चाहिए। देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, बोल रहा था ना समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। यदि इस भुजा का मान निकाल लूं तो इस भुजा का मान भी मुझे मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों इस भुजा का मान कैसे निकालूंगा, ये 90 डिग्री है, ये क्या है, लंब है, ये आधार है, तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी ये जो भुजा आएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहां निकाल लेता हूं, भुजा जो आएगी कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण का मान जो आएगा रूट के अंदर आधार का स्क्वायर कितना है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस और लंब का स्क्वायर, लंब कितना है दोस्तों 3a/2 का स्क्वायर। आया दोस्तों समझ में? अब देखो दोस्तों k का मान निकालूंगा तो यहां से क्या मिल जाएगा, ये LCM लूंगा, पहले क्या कर लेता हूं 9a² / 4, 4 LCM लूंगा, दो भार आ जाएगा और a भार आ जाएगा तो a/2 क्या बचेगा दोस्तों, a/2 और रूट 13 क्या बचेगा, रूट 13a/2 बचेगा या नहीं बचेगा, यानी कर्ण का मान कितना आ गया रूट 13a/2 आ गया। अब देखो दोस्तों इसका मान आया रूट 13a/2 और निकालना क्या है, परिमाप निकालना है, यानी ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, तो परिमाप निकालने के लिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए, अब देखो दोस्तों बाह्य परिधि की बात कर रहा है, यानी ये परिधि की बात कर रहा है, मुझे पूरा परिमाप निकालने की आवश्यकता नहीं है, खाली इस पार्ट को छोड़ दूँ, ये दोनों भुजाएं मेरी क्या हो जाएगी बाह्य परिधि में जुड़ जाएगी दोस्तों, तो कर्ण क्या हो जाएगा रूट 13a/2 प्लस रूट 13a/2, यहाँ से निकालूंगा क्या आएगा रूट 13a आ जाएगा, रूट 13a आ जाएगा, यानी ये जो वाला पार्ट है, देखो मैं दूसरे कलर में बना रहा हूँ, देखने की कोशिश करो कि ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट ही मुझे निकालना है। ऊपर वाले में क्या किया मैंने, पहले ये वाला पार्ट निकाला, यानी अर्धवृत्त का परिमाप निकाला, क्या आ गया दोस्तों 2πr/2, यानी पाई ए मेरा क्या आ गया अर्धवृत्त का परिमाप आ गया, यानी ये वाला पार्ट आ गया। अब देखो इस वाली भुजा की और इस वाली भुजा की लंबाई जोड़ दूँ तो पूरी परिधि मुझे मिल जाएगी दोस्तों, तो इस वाली भुजा की क्या हो जाएगी रूट 13a/2 और इस वाली भुजा की भी क्या हो जाएगी रूट 13a/2, रूट 13a/2 प्लस रूट 13a/2 क्या मिल गया रूट 13a मिल गया, तो पूरी बाह्य परिधि, तो पूरी जो बाह्य परिधि है, पूरी बाह्य परिधि जो है वो क्या मिल जाएगी दोस्तों, देखो रूट 13a प्लस पाई ए, तो यहाँ से ए कॉमन लूंगा क्या मिलेगा रूट 13 प्लस पाई, रूट 13 प्लस पाई, ये जो पूरी परिधि है क्या मिल गई ए गुणा रूट 13 प्लस पाई मिल गई। अब देखो दोस्तों ऑप्शन में ये कौन से में दे रखा है वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न की तरफ, देखो दोस्तों इसमें दे रखा है क्या रूट 13 प्लस पाई गुणा ए, यही निकाला था ना मैंने अभी आंसर रूट 13 प्लस पाई गुणा ए, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा रूट 13 प्लस पाई गुणा ए, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार वापिस समझाने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, रूट 13 प्लस पाई गुणा ए। अब देखो दोस्तों मैंने किया क्या, मुझसे पूछा क्या था बाह्य परिधि पूछी थी, तो बाह्य परिधि के लिए मुझे तीन चीज की रिक्वायरमेंट थी, एक तो ये, एक ये और एक ये, ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया अर्धवृत्त का परिमाप निकाला, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई आर होता है, आर क्या थी मेरे पास ए थी, यानी अर्धवृत्त का परिमाप क्या मिल गया पाई ए मिल गया। अब मुझे जरूरत थी इसकी, तो इसके लिए क्या करूंगा दोस्तों, याद करो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यहां से मैंने इस कर्ण का मान निकाला कितना रूट 13a/2, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो ये भी रूट 13a/2 ये भी रूट 13a/2, दोनों को जोड़ा तो इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं हैं इसका परिमाप कितना आ गया रूट 13a आ गया। अब पूरा मुझे बाह्य परिधि निकालना है तो इन दोनों को और इसको जोड़ दूंगा, तो क्या आया रूट 13a प्लस पाई ए, क्या मिल गया a गुणा रूट 13 प्लस पाई मिल गया, तो यहां से मुझे आंसर मिल गया a गुणा रूट 13 प्लस पाई। देखो दोस्तों ये जो प्रश्न था बहुत ही अच्छा प्रश्न था, करने लायक प्रश्न था, समझने लायक प्रश्न था, कई प्रश्न ऐसे भी आते हैं पेपर में जिसमें हमें समझना पड़ता है, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इसको भी मैं डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, वैल्यू मान के कैसे सॉल्व कर सकता हूँ दोस्तों, लेकिन उस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको मेरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी दोस्तों। अभी के लिए आप बिल्कुल बेसिक मेथड से समझिए, ये मैंने जो आपको समझाया है बिल्कुल बेसिक है, यानी इसमें कोई भी आपको कुछ भी चीज़ याद करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बेसिक से मैंने लेके चला है, कोई ट्रिक आपको नहीं बताई है, बिल्कुल बेसिक समझाया है,
क्योंकि एग्जाम में मैंने पहले भी आपको बताया था आवश्यकता होती है किसकी, आपकी बेसिक नॉलेज की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्रश्न ऐसे आते हैं कि सारी ट्रिक्स फेल हो जाती है और चाहिए क्या होता है बेसिक, जिसको बेसिक आता है वो आराम से सॉल्व करके निकल जाता है और जिसको नहीं आता है वो ट्रिकों के चक्कर में ही पड़ा रहता है दोस्तों। तो एक बार आपको बेसिक का भी नॉलेज होना चाहिए, जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरी ट्रिक्स भी बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बोल रहा है दोस्तों एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाने पर वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उस तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। यदि उस तार को किस में मोड़ा जाए, वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो देखो दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तार था, एक बंदे के पास क्या था, एक तार, उसने क्या किया उसको वर्ग में मोड़ दिया, किस में कर दिया वर्ग में मोड़ दिया। तो देखो यदि वो उसको वर्ग में मोड़ता है, किस में मोड़ता है वर्ग में मोड़ता है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है, कितना होता है भुजा स्क्वायर होता है। यानी बात करूँ क्षेत्रफल उसने दिया है कितना 121, यानी 121 बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना हो गया 11, यानी जो वर्ग की भुजा है वो कितनी आ गई 11, यानी ये भी 11 ये भी 11 ये भी 11 और ये भी 11। इसका कहने का मतलब क्या है, इसकी लंबाई 11 इसकी 11 इसकी 11 इसकी 11, यानी इस वर्ग का परिमाप निकालूं, इस वर्ग का परिमाप निकालूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, तार की लंबाई मिल जाएगी, क्या तार की लंबाई बराबर किसके हो जाएगी वर्ग के परिमाप के, क्योंकि उसने क्या किया था तार को ही तो मोड़ा था, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुणा भुजा, यानी क्या 44 सेंटीमीटर क्या मिल गई मुझे, 44 सेंटीमीटर क्या मिल गई दोस्तों, इस तार की लंबाई मिल गई, क्या मिल गई इस तार की लंबाई मुझे मिल गई 44 सेंटीमीटर। बोल क्या रहा है उसे वृत्त के आकार में मोड़ा जाए। अब देखो दोस्तों यदि इसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर है और इसको मैंने क्या किया फिर एक वृत्त के आकार में मोड़ दिया, क्या किया क्या किया दोस्तों, एक वृत्त के आकार में मोड़ दिया। अब देखो दोस्तों इस वृत्त के आकार में मैंने मोड़ा और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है मुझे कितनी है 44 सेंटीमीटर, यानी लंबाई का मतलब क्या है, तार की लंबाई का मतलब क्या है, जो वृत्त है, जो वृत्त है दोस्तों उस वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी दोस्तों 44 सेंटीमीटर, कितनी 44 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि हो गई। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr बराबर 44, यहां से मान रखूंगा 2 × 22/7 गुणा आर बराबर क्या मिल गया 44 मिल गया, इस 44 से ये 44 कैंसिल हो गया, आर का मान कितना आ गया 7 आ गया, यानी मेरी जो वृत्त की त्रिज्या है, जो मेरी जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी आ गई दोस्तों 7 आ गई। अब वृत्त की त्रिज्या मेरे पास में 7 है, पूछा क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट याद करेंगे पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों। तो याद रखना पाई का मान हो गया 22/7 और त्रिज्या 7 × 7, इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, आराम से आ गया ना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। करना क्या था, सिंपल सा प्रश्न था, बोल रहा था कि एक तार को वर्गाकार में मोड़ा जा रहा है, उस वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो वहां से मुझे भुजा मिल गई कि वर्ग की भुजा कितनी है 11 है, जब वर्ग की भुजा 11 है तो उस तार की लंबाई किसके बराबर होगी, उस वर्ग के परिमाप के बराबर होगी, और जब वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, यानी जो वर्ग का परिमाप है वो 44 है, यानी मेरी तार की लंबाई कितनी है 44 सेंटीमीटर है। जब तार की लंबाई मुझे 44 मिल गई तो उसी तार को तो मैं वृत्त के आकार में मोड़ रहा हूँ, तो वृत्त के आकार में मोड़ने का मतलब क्या है दोस्तों, वृत्त की जो परिधि होगी वो किसके बराबर हो जाएगी 44 के बराबर, वृत्त की परिधि 44 के बराबर हो जाएगी, यानी 2πr बराबर 44 रख दिया, तो यहाँ से r यानी त्रिज्या मिल गई 7, और जब त्रिज्या मेरे पास 7 है तो मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया पाई आर स्क्वायर, कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल सा प्रश्न था, क्या आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर।
देखो दोस्तों क्या कह रहा है, एक आयत एबीसीडी का परिमाप क्या है यदि एडी बराबर 3 और बीडी बराबर 5 दिया हुआ है। यानी देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक आयत का चित्र बना लिया। यदि मैं आयत का चित्र बनाऊं, इसको रखूं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। क्या कह रहा है, एडी बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और बीडी बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 5 दे रखा है। मैंने अभी आपको पहले प्रश्न में भी बताया था, क्या बताया था कि जो आयत होता है उसमें होता क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी ये जो कोण है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये जो मेरा क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो देखो मैंने कल एक कॉम्बिनेशन बताया था कि समकोण त्रिभुज में एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, 3, 4, 5 का। एक तो ये बताया था कल, जो मैंने आपको बताया था, और कल मेरे एक और काम में आया था। क्या काम में आया था, 12, 5 और 13। क्या काम आया था, 12, 5 और 13 काम आया था। ऐसे कई कॉम्बिनेशन में आपको लिखवाऊंगा क्लास में। अभी के लिए देखें, कॉम्बिनेशन बताया था 3, 4, 5, 3, 5 मेरे पास में है, तो तीसरी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सीधा आंसर आ गया 4। अब देखो मेरे पास में लंबाई है 4, चौड़ाई है 3। निकालना क्या है दोस्तों, परिमाप ही तो निकालना है। परिमाप क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है आयत का, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी है 4 और चौड़ाई कितनी है 3। 4 और 3 क्या मिल गया, 2 गुणा 7 मिल गया, यानी 14। क्या मिल गया, 14 मेरा आंसर हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया कितना, 14। अब देखो दोस्तों, कल मैंने ये कॉम्बिनेशन बताया था, कॉम्बिनेशन से डायरेक्ट बता दिया। अब देखो यदि कॉम्बिनेशन याद नहीं हो तो क्या करेंगे, वही चीज करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी मुझे निकालना क्या है, आधार निकालना है ना, तो आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 25, माइनस लंब कितना है 3, यानी 9। क्या मिल जाएगा, 16। तो आधार मेरा कितना मिल जाएगा, √16 यानी 4। यहाँ से भी क्या निकाल दिया मैंने, 4 निकाल दिया, आधार आ गया 4 और ऊंचाई कितनी आ गई मेरे पास में, 3 आ गई, यानी लंबाई आ गई 4 और चौड़ाई आ गई 3। परिमाप निकाल सकता हूँ, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या आंसर आ गया, 14 मेरा आंसर आ गया डायरेक्ट। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखो दोस्तों फील्ड बुक दी हुई है, इस फील्ड बुक के बारे में बात कर रहा है, बोल रहा है इस फील्ड बुक का क्षेत्रफल है। तो इस फील्ड बुक का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखते हैं हम क्या करेंगे, और ढंग से चित्र बना देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो और ढंग से चित्र बना देता हूँ। देखें दोस्तों, देखो दोस्तों आपके सामने ये फील्ड बुक है। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है इस फील्ड बुक का मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब पटवारी प्री का पेपर करवाया था, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, फील्ड बुक में हमको लगभग दो ही चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो देखने को मिलता है त्रिभुज और एक देखने को मिलता है समलंब चतुर्भुज। तो आपको इन दोनों के क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। तो बात करूँ दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 × आधार × ऊंचाई। याद रखना दोस्तों, 1/2 × आधार × ऊंचाई। अब देखो, और समलंब चतुर्भुज जो होता है, समलंब चतुर्भुज उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 × समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग × ऊंचाई। याद रखना, 1/2 × समांतर भुजाओं का योग × ऊंचाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 × आधार × ऊंचाई। तो यहाँ से मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता है। तो देखो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये जो है, इसको मान लेता हूँ, इस आकृति त्रिभुज को मान लेता हूँ पहली आकृति है, ये है दूसरी, ये है तीसरी, ये है चौथी, इसको कह दूँ पांचवी, इसको कह दूँ छठी और इसको कह दूँ सातवीं। यानी मेरे पास में टोटल कितनी आकृति दी हुई है, 7 आकृति दी हुई है। इसमें से देखो पहली त्रिभुज है, दूसरी त्रिभुज है, तीसरी त्रिभुज है, चौथी त्रिभुज है,
पांचवी त्रिभुज है और सातवीं त्रिभुज है, छठी कौन सी है, समलंब चतुर्भुज है। तो यदि मैं इन अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दूं तो मुझे इस पूरी फील्ड बुक का क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। और वही चीज मैं करूंगा, देखो दोस्तों कैसे करूंगा, बात करूं पहले के बारे में, बात करूं दोस्तों पहले के बारे में, जब पहले के बारे में मैं बात करूंगा तो एक बटा दो क्या जाएगा, एक बटा दो आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है आठ और ऊंचाई कितनी है बारह, तो आधार आ गया आठ और ऊंचाई आ गई बारह, तो यहां से क्षेत्रफल मिला क्या 48, क्या मिल गया दोस्तों 48 मिल गया, यहां से क्षेत्रफल क्या मिल गया 48 मिल गया। दूसरे की बात करूं, फॉर्मूला इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बटा दो आधार गुणा ऊंचाई। तो दूसरे की बात करूं तो आधार हो गया आठ और ऊंचाई भी क्या हो गई आठ, यानी एक बटा दो गुणा आठ गुणा आठ, यहां से क्या मिल गया दोस्तों, ये कट गया चार बार, क्या मिल गया 32 मिल गया। बात करूं तीसरे के बारे में तो तीसरा भी क्या है त्रिभुज, तो एक बटा दो आधार कितना है सात, ऊंचाई कितनी है बारह, एक बटा दो गुणा सात गुणा बारह, तो यहां से क्या मिल गया दोस्तों 42 मिल गया, क्या मिल गया 42 मिल गया। चलते हैं चौथे की तरफ, चौथी जो आकृति है वो भी त्रिभुज है, एक बटा दो सात गुणा छ, एक बटा दो गुणा सात गुणा छः, ये कट गया तीन बार, क्या मिल गया 21 मिल गया, क्या मिल गया 21 मिल गया। बात करूँ पांचवे की, पांचवा भी क्या है त्रिभुज, एक बटा दो आठ गुणा तेरह, क्या मिल गया एक बटा दो आठ गुणा तेरह, ये कट गया चार बार, क्या मिल गया 52 मिल गया, क्या मिल गया 52 मिल गया। बात करूँ छठे की, तो छठा मेरे पास में क्या है दोस्तों, समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बटा दो गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, यानी एक बटा दो, सबसे पहले बात करूं एक बटा दो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कितनी है ये 11 और ये 13, तो समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 24, कितना 11 और 13 24। अब बात करूं ऊंचाई की, तो ऊंचाई इसमें दी हुई है क्या, नहीं दी हुई, तो निकालेंगे कैसे दोस्तों, ये देखो ये पूरी ऊंचाई दी हुई है, कैसे दी हुई है, ये 12 ये 8 कितनी हो गई 20, 20 और 12 32, 32 और 6 38, यानी ये जो पूरी ऊंचाई है ये कितनी है 38 है, कितनी है 38 है, पूरी ऊंचाई कितनी है 38 है। और क्या निकालना है मुझे, ये वाला पार्ट निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, तो ये और ये घटा दूँ, 38 में से क्या घटा दूँ 10 और 8 यानी 18 को मैं घटा दूँ, क्या मिल जाएगा 20, यानी ये जो मेरी ऊंचाई आई, ये जो मेरी ऊंचाई आई ये कितनी आ गई दोस्तों 20 आ गई। कैसे निकाली, इधर से मैंने इसको पूरे को निकाल लिया, कितना आया 12 और 8 20 और 12 32 और 6 38, यानी इस पूरी लाइन की लंबाई 38, इसको घटाया 10, 38 में से 10 गया, कितना बचा दोस्तों 28 बचा, फिर नीचे वाला 8 घटा दिया, 28 में से 8 घटाया क्या बच गया 20 बच गया, यानी ये जो पूरी लंबाई है ये कितनी आ गई 20 आ गई दोस्तों। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एक बटा दो गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ये कट गया 10 बार, यानी क्या आ गया 240 आ गया। अब बात करूँ सातवीं आकृति के बारे में, सातवीं भी क्या है दोस्तों त्रिभुज है, एक बटा दो आधार कितना है 11 और ऊंचाई कितनी है 10, आधार कितना है 11 और ऊंचाई कितनी है 10, तो यहाँ से ये कट गया पांच बार, क्या मिल गया 55 मिल गया, क्या मिल गया दोस्तों 55 मिल गया। अब क्या सारी आकृतियों का क्षेत्रफल अलग अलग मेरे पास में आ गया, निकालना क्या है दोस्तों पूरी फील्ड बुक का क्षेत्रफल, तो पूरी फील्ड बुक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबका टोटल कर दूंगा, देख लो दोस्तों कर लेते हैं, पाँच और दो सात और एक आठ और दो दस और दो बारह और आठ बीस का जीरो हासिल की, दो पाँच और दो सात चार ग्यारह पाँच सोलह दो अठारह चार बाईस और तीन सत्ताईस बाईस और तीन पच्चीस और चार उनतीस का नौ हासिल की दो, और बात करूँ दो और दो चार, यानी क्या मिल गया पूरी फील्ड बुक का क्षेत्रफल 490, यानी इस पूरी फील्ड बुक का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, पूरी फील्ड बुक का क्षेत्रफल क्या है 490, कितना है 490, कितना है दोस्तों 490, मैंने फील्ड बुक का क्षेत्रफल निकाल दिया कितना 490, और यही मुझसे प्रश्न में पूछा था दोस्तों, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलेंगे फिर ऑप्शन की तरफ, तो देखो दोस्तों फील्ड बुक का क्षेत्रफल मैंने क्या निकाला 490 निकाला, आंसर क्या मिल गया सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, क्या मिल गया
490 मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों? 490। क्या किया था मैंने? तो आप वापस देख सकते हैं, ये एक माना था, ये दो माना था, ये तीन माना था, ये चार माना था, पांच माना था, छह माना था और सात माना था। सातों आकृतियों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाला था और सबको जोड़ दिया। क्या मिल गया दोस्तों? पूरी फील्ड बुक का क्षेत्रफल कितना आ गया? 490 मेरे सामने आ गया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो भी इसी से रिलेटेड था, फील्ड बुक से रिलेटेड। देखो क्या कह रहा था, पिछले प्रश्न में दी गई फील्ड बुक में त्रिभुजाकार आकृतियों का क्षेत्रफल है। पूछ क्या रहा था? त्रिभुज में जो आकृतियां बनी हुई है उसके क्षेत्रफल के बारे में पूछा है। तो देखो दोस्तों, ये फील्ड बुक मैंने आपके सामने अभी सॉल्व की थी। क्या किया था? सबको अलग अलग मान निकाला था। अब पूछा क्या है अगले प्रश्न में? अगले प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि ये जो फील्ड बुक हमने बनाई थी, ये जो फील्ड बुक हमने बनाई थी दोस्तों, इसमें जो त्रिभुजाकार आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल पूछ रहा है। यानी क्या करूं, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी है और ये भी है, यानी एक ही ऐसा है जो त्रिभुज नहीं है। तो क्या करूं, टोटल क्षेत्रफल में से इस वाले क्षेत्रफल को घटा दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? सभी त्रिभुजाकार आकृतियों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी टोटल कितना है? 490। इसमें से क्या घटाऊंगा दोस्तों? इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कौन सी आकृति में? छठी आकृति में। तो छठी आकृति का क्षेत्रफल कितना है? 240। इसको घटा दूंगा क्या आ जाएगा? 250। यानी मेरा जो त्रिभुज है, सारे जो त्रिभुज है इनका क्षेत्रफल कितना आया? 250 आ गया। कैसे आया? कि पूरा क्षेत्रफल कितना आया था? 490 आया था। तो मैंने क्या किया, पूरे क्षेत्रफल में से ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल जो कि 240 था उसको घटा दिया। क्या मिल गया? 250 मिल गया। यानी मुझे क्या मिल गया? सभी त्रिभुजाकार आकृतियों का क्षेत्रफल मिल गया दोस्तों। क्या मिल गया? सभी त्रिभुजाकार आकृतियों का क्षेत्रफल मिल गया। तो यहां से मुझे मेरा आंसर क्या मिलेगा? 250 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों? 250 मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको 50 की 50 प्रश्न जो पटवारी मेंस में 2016 में पूछे गए थे वो पूरे 50 प्रश्न आपको करवा दिए हैं। आज ये पटवारी मेंस का पेपर हम पूरा करते हैं। तो दोस्तों आशा है आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया। एक एक वीडियो में हमने एक एक 10 प्रश्नों के बारे में बात की और बताया आपको अच्छे से अच्छा मेथड। कई मेथड ऐसे हैं जो और भी इजी हैं जो हम आपको नहीं बता पाए हैं, तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए दोस्तों क्लास का। और बात करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिकों के साथ में, अच्छे प्रश्नों के साथ में और अच्छे मेथडों के साथ में। तो आज सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद।